नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज की शुरुआत एक ऐसे प्रश्न से जो सदियों से ही लोगों के मन में बना हुआ है कि पुरुषार्थ बड़ा है या भाग्य बड़ा है, भाग्य में जो है वो हमें मिलता है या हम जो पुरुषार्थ करते हैं वो हमें प्राप्त होता है। आज इस सुंदर चिंतन के साथ ही हम दिवस की शुरुआत कर रहे हैं, सबरंग की शुरुआत कर रहे हैं और इसी से जुड़ा हुआ है आज का सुंदर सुवाक्य। आइए पहले वो सुन लेते हैं। भाग्य के भरोसे रहने पर भाग्य सोया रहता है और साहस पूर्वक खड़े होने पर भाग्य भी खड़ा होता है। एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका शीर्षक है दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोग कभी भी भाग्य पर विश्वास नहीं करते। मित्रों, भाग्य को प्रज्वलित करने का एक ही उपाय है, अपने अतीत से सीखो, अपने भविष्य की पटकथा लिखो और वर्तमान में जियो। परमात्मा का प्रेम पूर्ण स्मरण आत्मा को सभी प्राप्तियों से भर देगा। अपने लक्ष्यों पर बिना रुके काम करने से आप समय के साथ भाग्यशाली होते जाएंगे। बिल्कुल सत्य बात है मित्रों, यदि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो फिर जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें उठना होगा, साहस पूर्वक आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा तो हम अपने भाग्य की रचना स्वयं कर पाएंगे। वैसे भी कहा गया है कि जो जैसा करेगा, जितना करेगा, जो करेगा वही पाएगा, ये तो कहा भी जाता है, तो क्यों ना हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बन जाएं, इसे गढ़ते चलें, ना केवल भाग्य के लेकिन अपने स्वास्थ्य के भी निर्माता आप स्वयं बने। कि यदि स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं होता, खाने पीने पर ध्यान नहीं होता, दिनचर्या पे हम अपना ध्यान नहीं रखते तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसीलिए आज सुंदर 3-डायमेंशनल हेल्थ केयर के बारे में जानकारी लेकर हम आपके लिए आए हैं। आइए सुनते हैं आपकी सेहत आपके हाथ में सुंदर चर्चा। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये जो हम बात कर रहे हैं 3-डायमेंशनल हेल्थ केयर, राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं। ये राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल क्या है? खाली मेडिटेशन नहीं है, इट्स अ न्यू वे ऑफ लाइफ फॉर लीडिंग ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। इसमें हमें खाली मेडिटेशन की बात नहीं है, हम मेडिटेशन तो करें। राजयोगा मेडिटेशन का मतलब बेसिकली सोल कॉन्शियस लाइफस्टाइल है कि हम हर समय चलते फिरते उठते बैठते जीवन है, अपने आप को बीइंग समझ करके हर कार्य करें। और दूसरा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है हमारा व्यवहार, आहार और विहार। तो हमारा जो व्यवहार कैसा हो, कई बार हम दूसरों से बहुत शांति प्यार खुशी से बात करते हैं कि तो अपने साथ हमारा व्यवहार कैसा है, क्या हम अपने आप को, अपने अंगों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी आदतों को, अपने आँखों को, नाक कान मुख को और अपने हार्ट को, अपने बॉडी के डिफरेंट अंगों को, क्या हम उनको शांति दे रहे हैं? रियल हमारे व्यवहार में शांति है क्या? हम वर्तमान में टिक करके शांति उनको कार्य करने देते हैं कि नहीं? क्या हम अपने आप को जैसे भी हम हैं वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? प्यार, इसे कहते हैं प्यार। तो अपने आप को क्या प्यार करते हैं क्या हम? क्या अपने आप को संतुष्ट रहते हैं क्या? इस अपने आप को संतुष्टता, मेडिटेशन का रोल क्या है कि शांति, प्यार, खुशी और आनंद हमारे जीवन में आए, शक्तियाँ हमारे जीवन में आए। तो सबसे पहले दूसरों को दें भले, क्योंकि सबसे पहले आप देखें क्या अपनी 80,000 कोशिकाओं को आप शांति, प्यार, खुशी, आनंद से पोषित करें प्रैक्टिकल वे में। तो पहला व्यवहार बदलिए, फिर अपने आहार को शुद्ध सात्विक बनाइए और विहार डेली कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा वॉक करिए और प्रॉपर नींद 10 से 4 बजे तक, 10 से रात को 10 बजे सो जाएं, 4 बजे उठेंगे तो आप देखेंगे। तो ये जो न्यू वे ऑफ लाइफ है, राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल है, ये आपको सदा के लिए स्वस्थ, खुशनुमा और जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, बीमारियाँ आएंगी, उनको आप इजीली फेस कर पाएंगे और कम दवाई से आप जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति। इन सुंदर सूत्रों को अपनाते हुए आप संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर बढ़ें, इसी सुंदर कामना के साथ आइए अब आपको स्पिरिचुअल इंडिया में मैं एक ऐसे स्थान पर लिए चलता हूं जो भारत के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है। ये अति प्राचीन जैन तीर्थ स्थल है जहां 1,000 वर्ष प्राचीन गुप्तेश्वर जी की विशाल
प्रतिमा है जिसे बाहुबली प्रतिमा भी कहा जाता है, श्रवण बेल गोला। आइए चलते हैं। श्रवण बेल गोला भारत के कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। यहाँ बाहुबली स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें उनकी 58 फुट की अखंड मूर्ति है जिसको दुनिया की सबसे बड़ी अखंड मूर्ति माना जाता है। बाहुबली एक राजकुमार थे जिन्हें अपने ही भाई को युद्ध में हराने के बाद वैराग्य आया और वह गहन तपस्या के लिए निकल पड़े। बाहुबली ने इंसान के आध्यात्मिक उत्थान और मानसिक शांति के लिए 4 बातें बताई थी, अहिंसा से सुख, त्याग से शांति, मैत्री से प्रगति और ध्यान से सिद्धि मिलती है। बाहुबली का दिगंबर या नग्न रूप अक्सर जैन परंपराओं में देखा जाता है और यह सांसारिक आसक्तियों और इच्छाओं पर जीत का प्रतीक है। यही कामनाएं हमारे देवत्व की ओर बढ़ने में बाधक हैं, लेकिन परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान यह स्पष्ट करता है कि यह नग्न होने की बात नहीं है। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में नग्न का अर्थ है शरीर की चेतना को त्यागना और समझना कि आप एक आत्मा हैं। साथियों, समय बदल गया है और हम कलयुग के अंत में पहुंच गए हैं। समाज में झूठ चरम पर है। सच्चाई की तलाश के लिए घर छोड़ना निश्चित रूप से कई लोगों के काम आया है, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे तरीका भी बदलता है। यही वह समय है जब परमात्मा मानव क्षेत्र में प्रवेश करता है और मानव चेतना को ऊंचा करने के लिए दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। लोग और परिस्थितियाँ और भी खराब हो सकती हैं, लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि हम सारा बोझ उसी पर छोड़ दें, सांसारिक संपत्ति के ट्रस्टी बन के रहें, अपने आसपास हो रहे नाटक को साक्षी होके देखें, केवल खुद को बदलने पर ध्यान केंद्रित करें, परमात्मा को लगातार याद करके अपनी खुद की दिव्यता का उदय करें। वे चाहते हैं कि हम सभी को आत्मा के रूप में देखें, शरीर के रूप में नहीं। बेफिक्र रहें, पवित्र विचार, वचन और कर्म का अभ्यास करें, दूसरों के लिए असीमित शुभकामनाएं रखें, अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी खुद लें और दिव्य गुणों की सुगंध फैलाकर सभी की सेवा करें। परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हम जीवन में ही मुक्ति का अनुभव कर सकेंगे। शक्ति, साधुत्व और त्याग की प्रेरणा देती ये सुंदर प्रतिमा और स्थल। सचमुच जब कभी ऐसे सुंदर स्थलों की यात्रा करते हैं तो मन में सुंदर भाव भर जाते हैं और ऐसे ही सुंदर भाव लिए हुए व्यक्ति अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ता है, क्योंकि कोई ना कोई प्रेरणा अवश्य होती है व्यक्ति के अंदर जो उसे शिखर की ओर ले चलती है। जब हम शिखर में आरूढ़ लोगों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये बहुत भाग्यवान हैं जो वहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन उनके अंदर की अपनी धार्मिक आध्यात्मिक भावनाएं, उनके सुंदर विचार भी उन्हें वहाँ तक पहुँचाने में बहुत मदद करते हैं और ये हम तभी जान पाते हैं जब उनके मुख से ही उनके सुंदर अनुभव सुनते हैं। और यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हम कुछ विशिष्ट जनों के सुंदर अनुभव सुन रहे हैं और प्रेरित हो रहे हैं। आइए आज सुनते हैं बॉलीवुड के जाने माने प्लेबैक सिंगर भ्राता अभिजीत भट्टाचार्य जी को। अपने लाइफ को हमेशा एक ही लेवल में रखा है, एक ही लेवल में रखा है। मैं आज अगर दुनिया की सबसे कॉस्टली गाड़ी में बैठता हूं और जब मुझे दिव्या बहन बोलती हैं कि ब्रह्म कुमारी आइए आप, तो मैं उनको ये नहीं बोलूंगा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मेरा आध्यात्म से मैं उतना ही उनसे मांगूंगा कि मुझे एक इनोवा गाड़ी कर देना, इतना ही बोल सकता हूं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे एक मर्सिडीज बुला दीजिए, मुझे ये दे दीजिए। डिपेंड करता है कि आप अपने को कितने लिमिट में रखते हो। मैं इंजॉय नहीं कर सकता हूं उसके ऊपर जाऊंगा तो आई विल नॉट एंजॉय। तो मैं अपने आप को इसलिए नहीं सीमित रखता हूं कि मुझे करना है, क्योंकि मुझे वो ही नेचुरल लगता है। मैंने अपना फार्म हाउस बनाया है
तो लोग अच्छे अच्छे फ्लावर लगाते हैं, स्विमिंग पूल बनाते हैं, मैंने तो तालाब बनाया वहां पे, मैंने खेती की है। आप बाजार में जाइए, जितने में 500 किलो आलू मिल जाता है, उतने खर्चे में मेरे को 10 किलो आलू नहीं उगा पाता हूं उधर, इतना खर्चा आता है खुद के उसमें, लेकिन आनंद आता है। मैंने वहां पे पिंजरों से, मेरी वाइफ मेरे को बोलती रहती तुम बर्ड्स को बड़े पिंजरों में क्यों रख रहे हो, मैंने कहा बाहर से पकड़ के पिंजरे में नहीं डाल रहा हूं, आजाद पंछी को मैंने पिंजरों में नहीं डाला है, कैद पंछी है जो छोटे छोटे पिंजरों में पैदा हो रहे हैं, उसी में उनकी दुनिया देख रहे हैं, मैं उनको कम से कम 100 फीट by 20 फीट का मैंने बनाया हुआ है, जहां दिखता है मैं खरीद लेता हूं और जाके मैं उनको उस दुनिया में छोड़ देता हूं कि देखो यहां पे ये दुनिया तुम लोग की, लेकिन उनको छोड़ दूंगा तो वो मर जाएंगे वहां से निकाल के। सो मेरा एक अलग तरीका है जीने का। विशिष्ट की बातें विशेष, जिसमें हमने विशेष बातें सुनी, विशेष अनुभव सुना, प्रेरित हुए कि हम भी कैसे अपने जीवन में अध्यात्म को आधार बनाकर आगे से आगे बढ़ सकते हैं। सचमुच जीवन में फाउंडेशन की बहुत ज़रूरत तो होती ही है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना आधार के आगे नहीं बढ़ सकती। और यदि जीवन का आधार अच्छे विचार, अच्छी अप्रोच और साथ ही अच्छी भावनाएं हैं, तो सचमुच शिखर की ओर बढ़ना बहुत आसान और सहज हो जाता है। कैसे हम शिखर की ओर खुशी खुशी, शांति से, आनंद से बढ़ें और विपरीत परिस्थितियों का भी बहुत सहज रूप से सामना कर सकें, ये सिखाती हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें। आइए देखते हैं इनकी सुंदर सेवा कार्यों को पीस न्यूज हाइलाइट्स में। लंदन के ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस में डॉक्टर्स के लिए पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन हुआ। 2 साल तक चले कोविड काल के बाद यह ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस में पहला पब्लिक प्रोग्राम रहा, जिसमें पूरे उत्तर पश्चिम लंदन से मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े 70 से भी अधिक लोग शामिल हुए, जिनमें जाने माने हार्ट सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश पंजाबी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इन सभी चर्चित लोगों का सीनियर राजयोगा टीचर बी के जैमिनी ने वेलकम किया। कार्यक्रम का शुभारंभ कोविड महामारी में जान गंवाने वाले लोगों के लिए 1 मिनट मौन रखकर हुआ। उसके पश्चात डॉक्टर प्रकाश पंजाबी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का मौका मिला। आगे उन्होंने सीनियर सिस्टर सुदेश का जिक्र करते हुए कहा कि हार्ट सर्जरी के दूसरे दिन ही बीके सुदेश का स्वास्थ्य काफी अच्छा था और उन्होंने मेरे से मेरा हालचाल लिया। उनका मेरे से ऐसा व्यवहार ही आध्यात्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपको बता दें, डॉक्टर प्रकाश पंजाबी ने ही सिस्टर सुदेश की हार्ट सर्जरी की है। कार्यक्रम में आगे नॉर्थ वीक पार्क हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर संगीता पंजाबी और बीके डॉक्टर सारा एगर ने ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने वर्किंग अनुभवों को साझा किया। तो वही ऑर्गेनाइजेशन की एडिशनल हेड बीके जयंती और यूरोपियन डायरेक्टर बीके सुदेश ने सभी को स्पिरिचुअल गाइडेंस और राजयोग मेडिटेशन की डिटेल में जानकारी देते हुए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया। मित्रों, शुरुआत हमने भाग्य और पुरुषार्थ से की थी। बहुत ही गहन चिंतन का विषय है जो सदियों से सचमुच चला आ रहा है। कोई ये कहता है कि जो भाग्य में होगा वो भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं होगा वो आके भी भाग जाएगा, इसीलिए वो भाग्य भरोसे रहते हैं। और कोई ये कहते हैं कि नहीं, पुरुषार्थ तो अवश्य करना ही करना होगा। मेरे किसी मित्र ने बहुत अच्छी एक पोस्ट भेजी थी जो मुझे बहुत प्रिय लगी। उसने कहा कि जैसे हम लॉकर में कोई चीज़ रखते हैं, उसकी एक चाबी मैनेजर के पास होती है, एक चाबी आपके पास होती है। जब दोनों चाबियां लगती हैं तो लॉकर में रखी हुई चीज़ आपको मिलती है। और उसने अंततः ये बात कही कि एक जो चाबी है वो भाग्य की है और दूसरी चाबी पुरुषार्थ की है। भाग्य में है लेकिन पुरुषार्थ की चाबी ना लगे तो आपको प्राप्ति नहीं होगी। तो भाग्य में भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया भले हो, लेकिन पुरुषार्थ की चाबी तो हमें ही लगानी होगी। तो पुरुषार्थ करते चलें और अपने भाग्य के जो भंडारे हैं उसे भरपूर होते चलें। हमारी अनंत मंगल कामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार, ओम शांति।